दोस्तों, एक नया विषय आपके सामने लेके आया हूँ। विषय एक नए लगन के बारे में है। सबको बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि लगना लॉर्ड की प्लेसमेंट से हम क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लगन के बारे में ही समझाता हूँ कि लगन हमारे जीवन में क्या डिसाइड करता है, फिर लगना लॉर्ड की प्लेसमेंट यानी जिस लगन की आज बात करने वाला हूँ उस विषय पे आऊँगा। दोस्तों, जो हमारा लगन है वो हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ हमारी लाइफ का है। अब वो डिसाइड कैसे होता है? जिस समय हमारा बर्थ होता है और जो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो भी है वो मिलके ईस्ट में वो साइन डिसाइड करते हैं जो राइज हो रहा होता है उस समय। कितने डिग्री पे राइज हो रहा है, क्योंकि एक घर में 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, ऐसे 2.25 नक्षत्र करीब करीब पड़ते हैं। उस नक्षत्रों का भी मानव जीवन पे एक बहुत बड़ा असर होता है। दोस्तों, ये तो हो गया लगन डिसाइड। सपोज ईस्ट में मंगल राइज कर रहा था, यानी मंगल आपका फर्स्ट हाउस बन जाएगा, एरीज राशि आपकी फर्स्ट हाउस, यानी आप एग्रेसिव थॉट के होंगे। टॉरस होगा तो बड़े आराम पस्त व्यक्ति होंगे, थोड़ा जिद्दी किस्म के भी हो सकते हैं। बुल से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं होता, थोड़ा भौतिकतावादी जीवन आपका रह सकता है। मिथुन लगन हुआ या मिथुन साइन राइज कर रहा हुआ तो आपकी कुछ सूचना हमें मिलती है, वो सूचना मिलती है कम्युनिकेशन, और आप बिजनेस माइंडेड होंगे, कमर्शियल सेंस बड़ी स्ट्रांग होगी। इस तरह हमारी सोच का पता लगता है, हम अंदर से क्या होंगे और बाहर से क्या दिखेंगे ये हमारा लगन डिसाइड करता है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए इस विषय में तीन चीजें और बता देता हूँ। इस विषय से जुड़े तीन लगन और भी हैं। लगन तो बहुत सारे हैं। सन चार्ट हमारी, सूर्य हमारी सोल है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कारकांशा लगन जो जैमिनी में देखते हैं, जहाँ नवांश में आत्म कारक मौजूद हो उसको D1 में डाल के, D1 में उस राशि को लगन बना के हम इंटरप्रिटेशन देते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा। अब मेन मुद्दे की बात करता हूँ, जिस मुद्दे के लिए आज का टॉपिक मैंने चुना है, पक्का लगन। ये पक्का लगन क्या होता है? दोस्तों, पक्का लगन वो होता है जहां पर हमारा लगना लॉर्ड मौजूद होता है, जिस हाउस में। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मेरा पक्का लगन पे था, और पक्का लगन वही होता है जहां लगना लॉर्ड मौजूद हो। अब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जिस तरह लगन हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक स्वभाव को बताता है, इस तरह पक्का लगन वो घर है जहां लगना लॉर्ड मौजूद है। अब लगना लॉर्ड जहां मौजूद है उस राशि की और किस भाव में मौजूद है, इसका हमारे जीवन से बहुत ज्यादा लेना देना। व्यक्ति की उस घर से कनेक्टिविटी मोस्ट लाइफ ऑफ द टाइम रहने वाली है। जैसे मेरा खुद का थर्ड हाउस में है तो पराक्रम होगा मेरे अंदर और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होगा। थर्ड हाउस मेहनत का भी है और थर्ड हाउस ऑनलाइन वर्ल्ड का भी है, यूट्यूब की दुनिया का भी है, और कमीशन इनकम की है। मेरे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट का काम करता हूँ, कमीशन इनकम थर्ड हाउस से आती है। यूट्यूब पे आता हूँ वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो देखो, जीवन में जिस घर में लगना लौट जाएगा और जिस राशि में गया, जैसे मेरा चंद्रमा की राशि में है, तो विचारों का आदान प्रदान बड़ी फास्ट होगा जीवन में, मतलब बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता होगी और बहुत जल्दी जल्दी थॉट्स चेंज होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रिकी नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा, एक तो चंद्रमा घर है, ऊपर मूवेबल साइन है। हमें वो साइन भी देखना होता है किस साइन में, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में जानने में एक बहुत निर्णायक भूमिका अदा करता है वो लगन। दोस्तों, और क्या क्या जान सकते हैं हम? अगर हमें धन की स्थिति जिस तरह से लगन से सेकेंड फिफ्थ नाइन्थ और इलेवंथ से देखते हैं, ऐसे लगना लॉर्ड से भी हम सेकेंड फिफ्थ नाइन्थ और इलेवंथ हाउस को देखेंगे। उच्च हाउस के लिए लगन से तीसरे लगना लॉर्ड से तीसरे छठे और 10वें और 11वें घर को भी चेक करो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो चीजें हम लगन से चेक कर रहे थे वो लगना लॉर्ड से भी चेक करनी पड़ती है। कुछ हद तक जो हमारा नेचर है, जिस घर में हमारा लगना लॉर्ड गया, वो भी कुछ हमारी जीवन की यात्रा बहुत हद तक जुड़ी होगी उससे, हमारी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी जुड़ी होगी उस घर से। तो लगना लॉर्ड से हम ये सब चीजें तो देखते हैं, मेन टॉपिक है। इसके अलावा हम क्या क्या देखते हैं? दोस्तों, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारी जिस घर में लगना लौट जाता है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है।
अब हमारी सोच और हमारी इंटेलिजेंस पे कौन कौन से प्रभाव डालने वाले प्लैनेट हैं। जो भी प्लैनेट लग्ना लॉर्ड जहां मौजूद है उस घर को देख रहे होंगे या उससे कंजेक्ट करके बैठे होंगे लग्ना लॉर्ड से, उनका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे वीनस मेरा लग्ना लॉर्ड है तो सूर्य साथ बैठा हुआ पराक्रम है, सामने शनि देख रहा है, तो शनि के देखने से क्या होगा, थोड़ा सा आलसी भी बना सकते शनि। लेकिन मुद्दे की बात करता हूं, मेरे लग्ना लॉर्ड से 9th हाउस यानी हाईएस्ट स्टडी के घर में जुपिटर बैठा हुआ है, और जुपिटर लग्ना लॉर्ड को देख भी रहा है, लग्न को भी देख रहा है उस वाले को। तो जुपिटर का जो प्रभाव है जब लग्न पे पड़ा, तो एक बात समझ लेना है, ऐसे व्यक्ति के 9th हाउस में यानी इस ऐसे व्यक्ति की स्पिरिचुअल और लर्निंग जर्नी बहुत लंबी जाने वाली है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, क्योंकि उसके इंटेलेक्चुअल लेवल हम लग्ना लॉर्ड से 9th हाउस से बैठे हुए प्लैनेट से देखेंगे, और जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है वहां पर, वो बैठा भी जुपिटर है, तो एक बात समझ लीजिएगा ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। मेरे लग्ना लॉर्ड से 2nd हाउस में मरकरी बैठा हुआ है, वो भी मरकरी हमारी लर्निंग स्किल है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो जब भी लग्न पक्का लग्न पे अगर जुपिटर का इम्पैक्ट पड़ रहा है और जुपिटर इज वेरी वेल प्लेस्ड फ्रॉम देयर, तो ऐसे व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई रहता है। थोड़ा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं सैंपल कुंडलियां 2 लेके आया हूँ आपके सामने, कि ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी में क्या जर्नी रही और क्या उनका पक्का लगन था। सबसे पहला हॉरोस्कोप मैं नरेंद्र मोदी जी का आपके सामने रखता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का लग्ना लॉर्ड लग्न में ही बैठा हुआ है। लग्ना लॉर्ड लग्न में मतलब मंगल लग्ना लॉर्ड है, और लग्न लग्न में मंगल की राशि भी आ गई है, तो 8वें घर की राशि उनके लग्न में आई, तो यू कैन से कि सफरिंग जरूर रही होंगे लाइफ में। काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर थोड़ा सफरिंग का माना जाता है। अब लग्ना लॉर्ड भी वहां मौजूद है, लेकिन जो पते की बात है, ऐसे व्यक्ति के जीवन जर्नी बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहती है। तो उनकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ देखिए कैसी थी, और उनसे 10th हाउस में शनि और वीनस बैठे हुए हैं, जो कि एक आत्म कारक और अमत्य कारक है। 10वां घर सत्ता का होता है, सत्ता उनके जीवन का एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन गई। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ चार्ट में। हालांकि देखो इस लगना पक्का लगन से 5th हाउस में जुपिटर की राशि बैठी है और राहु बैठा हुआ है, थोड़ा अनकन्वेंशनली लाइफ में बिहेव करेंगे, किया भी हुआ उन्होंने, और जुपिटर यहाँ 4th घर में रेट्रोगेट होके दशम भाव को देख रहा है। 5th और 10th का मेल बहुत अच्छा है राजसत्ता के लिए। तो उनकी जन्मपत्री में ये जो जो भाव इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक एंजेला जोली जी, जो कि बहुत फेमस एक्टर भी थी, यूनिसेफ का भी प्रचार करती थी, एक ग्लोबल वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अब उनकी जन्मपत्री का भी अध्ययन करते हैं। फिल्म हीरोइन थी, लगन में ही लग्ना लॉर्ड वीनस बैठा हुआ है, 11th लॉर्ड होकर, यानी 11th लॉर्ड मतलब डे टू डे प्रॉफिट का, और 4th घर का लॉर्ड है वीनस, यानी सुखी रही है जीवन में, थोड़ा रोमांटिक भी रही है, लव मैरिज भी उनकी बड़ी चर्चा में रही है, सुंदर हीरोइन थी क्योंकि वीनस लगन में बैठा हुआ है। अब चूंकि विषय हमारा आज पक्का लगन का है, तो लग्ना लॉर्ड 9th हाउस में क्या हुआ है? अब 9th हाउस में लग्ना लॉर्ड का जाना मतलब वो भी पाइसिस राशि में, धर्म से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ी रही है, कहीं ना कहीं जीवन भर सीखना उनकी आदत बनी होगी। यहाँ जुपिटर मून लग्ना लॉर्ड 9th हाउस में 9th लॉर्ड बैठा हुआ, पंचमेश मंगल भी 9th में बैठा हुआ है, बुद्धि के थ्रू उन्होंने, तीनों हाउस बुद्धि के हैं, 1, 5, 9, तो बुद्धि के थ्रू ही उन्होंने सारी जो माया कमाई है, पैसा कमाया है, वो बुद्धि के कारण ही कमाया। अब वो यूनिसेफ का प्रचार करती रही, तो ये ग्लोबल हाउस है, ये संतान का भी घर होता है, बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया। देखो किस तरह से एक क्षण में वो सारी बातें उनके जीवन से कनेक्ट कर गई, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी बता देता हूं। मरकरी उनका आत्म कारक है, तो ज्ञान से तो मैंने बोला ना, उनका बैठा भी यहाँ पे भी जुपिटर यही बैठा हुआ है। अब जैमनी एस्ट्रोलॉजी का हम दूसरा पहलू देखें, तो आपका मरकरी, मरकरी खुद जब मरकरी आत्म कारक बनता है तो इंटेलिजेंस का कारक है, वो लगातार सीखने का कारक है। तो एंजेला जोली जी का जीवन पूरा सीखने से जुड़ा हुआ है। शनि उनका अमत्य कारक है, 12वें घर में विदेश से बहुत कनेक्टेड रही है। शनि को देखो तो 12वें घर में जरूर दिख रहा है, और प्लैनेट भी शनि दिखता है, जो कि गंभीरता का प्रतीक है। तो जीवन उनका सिंसियर काम के प्रति समर्पित रहा है। मरकरी की राशि में है, कम्युनिकेशन वर्ल्ड से उन्होंने, मतलब यूनिसेफ की एक बहुत बड़ी प्रचारक रही है,
छोटे बच्चों को अडॉप्ट किया, तो वो शनि देखो मरकरी की राशि में बैठा हुआ है, यानी वो ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है और अमर्त्य कारक है भी 12वें घर में। तो दोस्तों ये बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लगन हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उसमें सिर्फ हमारे प्रयास, हम इन बातों को आप तक कैसे रख पाते हैं और आप इन बातों को कैसे ग्रहण कर पाते हैं, दोनों बातों से कनेक्टेड है। मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस तरह के वीडियोस आपके सामने और भी मैं रखने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।